ऐसी हमारी होने वाली बहू हुई। भाई साहब देखिए, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमने तो गौरी के लिए रिश्ता भेजा था। जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती हुई है उसके लिए हम भी शर्मिंदा हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो हम अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए आपकी बेटी जाह्नवी का हाथ मांगना चाहेंगे। और अगर लड़के वाले रिश्ता करना चाहते हैं तो उसमें हर्जी क्या है? अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है पापा। आप मुझे पैसे देंगे ना पापा? नहीं, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन पापा मुझे पैसों की जरूरत है। फिर भी नहीं। पर पापा, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। नफरत करते हैं मुझसे और मेरे बच्चे से युवराज। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ठीक है, पैसे मांग कर देख लो हमारे नाम पर। रजनी, जो कुछ भी पापा का है वो सब कुछ मेरा है। मैं उनका बेटा हूं। तुम उनके बेटे नहीं हो युवराज। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे अपने बापूजी को। आज तक मैंने तेरे सारे लाड लड़ाए, तूने जो मांगा वो दिया। आज पहली बार तुझे मना किया मैंने। मुझे ये भी मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो। जायज है बेटा, तेरी नाराजगी जायज है। एक बार मेरी नजर से देखना, इसी में तुम्हारी भलाई छुपी है। और तुम्हारी भलाई के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी नाराजगी सह सकता हूं, पर दोबारा तुम्हें वो गलती करते हुए नहीं देख सकता। उस कचरी की बातों में आकर अपने घर का बंटवारा नहीं करते हुए देख सकता बेटे में। वो हमें तबाह कर देगी, हमें बर्बाद। नहीं युवराज, नहीं, मैं उसे दोबारा हमें तबाह करने नहीं दूंगा। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं बेटा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। क्या बात है जी, आपकी आंखें भर आई हैं? नहीं कुछ नहीं सावित्री, कोई बात नहीं है। कोई तो बात जरूर है जो आपको परेशान कर रही है, बताइए ना। मैं समझ सकती हूँ पिछले कुछ दिनों से हालात ठीक नहीं है। दादा दादी बनने की अनुभूति होने से पहले ही नमन हमसे दूर चला गया, और अब जाह्नवी और गौरी की शादी की बात। लेकिन अगर आप नमन की बात को लेकर परेशान हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। नमन पवित्र और असिले के साथ जिस जगह रह रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है उसकी। समझ में नहीं आता उसकी देखभाल ठीक तरह से हो रही है या नहीं। पवित्र एक माँ बनने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभा पाएगी, और उसके पास पैसे भी तो नहीं है। जी, मैं चाहती थी कि अगर हम पैसे के रूप में उसकी मदद करें तो हमारे नमन के लिए वो। नहीं सावित्री, नहीं। पवित्रा को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, पैसों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। नमन के नाम पर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। जी
मैं आपकी बात समझी नहीं। सावित्री, नमन हमारे खानदान का वारिस है, हमारा अपना है वो, लेकिन पवित्रा के लिए वो सिर्फ एक लॉटरी का टिकट है। एक लॉटरी का ऐसा टिकट जिसकी आड़ में वो हमसे पैसे ऐठना चाहती है। तुम देखना, वो बिना हिचकिचाहट के एक पल में हमें नमन को वापस कर देगी अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो। मैं पवित्रा को पैसे नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। पवित्रा, तुम जैसी खेल खेलने वाली औरत से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर बापूजी तुम्हें अपना बेटा और नमन को अपना पोता मानते तो क्या हमें इस तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाहर छोड़ देते? खुद के खून की तरफ एक बाप का क्या फर्ज होता है वो अब जाकर पता चला है। युवराज, मेरे बच्चे के इलाज के लिए तुमने जो पैसे दिए हैं उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान? ये तुम क्या कह रही हो कजरी? नमन मेरा बेटा है। तुम परेशान लग रहे हो युवराज। कजरी, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूं? जरूरत नहीं है युवराज, मैं जानती हूँ तुम इसी वजह से परेशान होना, क्योंकि बापूजी ने नमन के नाम पर तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया। युवराज, उस घर में नमन को कोई पसंद नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पैसे नमन के लिए नहीं अपने लिए मांगे थे। फिर भी मना कर दिया। नमन की बात छोड़ो, लेकिन युवराज उस घर में तुमसे भी कोई प्यार नहीं करता। मैंने कहा था ना युवराज, बापूजी तुम्हें अब भी अपना बेटा नहीं मानते। जब तुम उस घर के बेटे ही नहीं हो तो फिर किस हक से पैसे मांग रहे हो? जब तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर युवराज, तो क्या उम्मीद रख रहे हो उस घर से तुम? गलत हो कजरी, बिल्कुल गलत। युवराज, पहले ही तुम्हारा भरोसा मेरी यकीन के सामने कमजोर पड़ चुका है। मैं नहीं चाहती कि तुम और भी कमजोर। बस करो कजरी, वो घर मेरा है, उनका बिजनेस मेरा है, उनके सारे पैसे भी मेरे हैं। मैं जब चाहूं जो चाहूं उसमें से हासिल कर सकता हूं, देख लेना तुम। वाह मेरी जान, सदके जाऊं, चलती हुई दिया सलाई को तुमने बारूद की ढेर की तरफ फेंक तो दिया है, अब देखें धमाका कब होता है। रसीली भाई, अब तो युवराज वापस हमारी मुट्ठी में आ ही गया। वो तो ठीक है मेरी जान, पर अब इरादा क्या है? कुछ सोचा है पैसे कहाँ से आएंगे? सोचना क्या रसीली भाई, जैसे बिना मांगे 25,000 हमारे हाथ में आ गए थे, वैसे ही सब कुछ बहुत जल्द हमारे हाथ में होगा। अब बस दिया सलाई में आग पकड़ना बाकी है। हेलो जी, राम भाई बोल रहा हूँ। जी कहिए, मैं मीनका बहन बोल रही हूँ। जी, वो जानवी के लिए लड़के वालों ने रिश्ते की बात की थी ना, उनके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा? जी अभी तक कुछ सोच नहीं पाए हैं, मेरा मतलब है कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। तो मेहरबानी करके जल्दी से फैसला लीजिए। लड़के वालों को लड़की पसंद है
और लड़के को तो जाह्नवी बेटी बहुत पसंद है। अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, वरना ऐसा ना हो कि लड़का हाथ से निकल जाए। उनके बार बार फोन आ रहे हैं, अब आप जल्दी से फैसला लीजिए और जवाब दे दीजिए। ठीक है। युवराज कहाँ है सावित्री? जी वो बाहर गया है, आया नहीं अभी तक। आप कहीं जा रहे हैं? एक जरूरी काम है, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन इस वक्त काम आज ही होना बहुत जरूरी है। बेटा, छोटी माँ आइए ना बैठिए। गौरी वो क्या बात है छोटी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा राम भाई का वापस फोन आया था, लड़के वाले जानवी का जवाब जानना चाहते थे। देखो बेटी तुम्हें जो तकलीफ हो रही है उस बात का एहसास है मुझे, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। करी मैं चाहती हूँ कि तुम जानवी को समझाओ कि वो लड़के वालों को हाँ कहते, तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन जानवी के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन जानवी की भी क्या गलती है? बेटा तू इस घर की बड़ी बेटी है और शायद तुम परिस्थितियों को अच्छी तरह से संभाल सकती, लेकिन मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं जो हालात को संभाल सके। वो इस सब बात में अपने आप को दोषी मानती है, सिर्फ अपने आप को। आज एक माँ हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती है, उसे समझाओ करी, उसे समझाओ। तुम ही हो जो उसे समझा सकते हैं, तुम उसे समझाओगी ना? चलो रसीली भाई अब इस मुसीबत को संभाल लें। मैं देखती हूँ। बापूजी आप मत कहो बापूजी मुझे अपनी गंदी जुबान से, अपने औरत होने का तो लिहाज करो। ये आप क्या कह रहे हैं बापूजी? ये भोलेपन का नाटक मेरे सामने मत करो। इसी भोलेपन के आड़ में जो मेरे बेटे के साथ खेल खेल रही हो वो भी अभी इसी वक्त बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? एक बार तुमसे धोखा खा चुका हूं, लेकिन दोबारा तुम्हें अपने परिवार की ओर आंख उठाने नहीं दूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे करौड़िया निवास से या उसके किसी भी सदस्य से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए वहां वापस आने की या हमसे फूटी कौड़ी पाने की उम्मीद भी मत रखना। मन का सहारा लेकर तुम युवराज को अपनी ओर खींच रही हो, हमारे घर हमारी जायदाद पर नजरें लगाए हो तुम।
तुम्हारा सपना ये सूर्यकांत करोड़िया हरगिज पूरा नहीं होने देगा। लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी की, ये सूर्यकांत करोड़िया भूल जाएगा कि तुम युवराज के बच्चे की माँ हो। सपने जरूर साकार होंगे सूर्यकांत करोड़िया, क्योंकि तुम्हारी सबसे कमजोर नाव, तुम्हारा पोता और तुम्हारा बेटा मेरी मुट्ठी में है और इसका एहसास तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। तस्वीर देखकर उसे पहली नजर में पसंद कर लिया था। मना तो नहीं करोगी? कैसी बात कर रही है? तू मेरे को मांग के तो देख, तेरे लिए जान भी हाजिर है। बोल ना, तेरे को क्या चाहिए? ठीक है, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। ये नहीं हो सकता कौड़ी दीदी, ये नहीं हो सकता। बस क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। देख चांदी, जो लोग हमसे जुड़े, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा परिवार है, उनके बारे में सोच, माँ बापूजी के बारे में सोच, अपनी माँ के बारे में सोच। कितनी उम्मीद है उन लोगों को हमसे, उन लोगों का दिल ऐसे ही तोड़ देगी। और वैसे भी तूने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझसे जो भी मांगूंगी तो मुझे वो देगी, तो अब दे जो मैंने तुझसे मांगा है। सावित्री बहन, आप लोगों ने क्या सोचा है इस रिश्ते के बारे में? मैं आप लोगों से विनती करती हूं, जानवी को ध्यान में रखकर ही कोई भी फैसला करना, आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है। बात फैसला लेने की नहीं है मेनका, पर गौरी के लिए आए हुए रिश्ते के साथ जानवी की शादी करना गलत होगा। लेकिन बाप, मेहरबानी करके एक बार तो सोचिए। बाप ठीक कह रही है, इस रिश्ते को हमें जाने देना चाहिए। जानवी और गौरी के लिए और भी रिश्ते आएंगे। सावित्री,
रामबाई को फोन कर दो और दोनों के लिए नए रिश्ते ढूंढने को कह दो, क्योंकि जानवी इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होगी। जानवी इस रिश्ते के लिए राजी है पा।